दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन वाल्हे, म्यूजिक गुरु, और आज हम सीखने वाले हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुर। दोस्तों, जब भी हम संगीत सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें सुर, सप्तक, स्केल, अलंकार, नोटेशन, राग, थाट आदि सभी बेसिक लेसन्स को काफी समझ और बारीकी से सीखना चाहिए, क्योंकि बेसिक ही संगीत का मूल आधार होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुर के बारे में, क्योंकि संगीत सीखने से पहले सबसे पहले हमें सुर ही सीखना पड़ता है, चाहे वो गाना हो या बजाना हो। दोस्तों, सुर वैसे तो एक आवाज ही होती है जो कि निरंतर चलने वाले कंपन से बनती है, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। दोस्तों, आवाज को कम या ज्यादा करने से सुरों का निर्माण होता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज सीधी चल रही है, पर जब मैं गाना शुरू करूँ तो मेरी आवाज ऊपर नीचे होने लगेगी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि आवाज को ऊपर नीचे करने से सुर का निर्माण बनता है। दोस्तों, हमारे भौतिक विश्व में हम कई सारी आवाजें सुनते हैं। किसी भी दो चीज या वस्तु को टकराने से उनके खिंचाव, तनाव या घर्षण से कई सारी आवाजें पैदा होती है, पर हर कोई आवाज संगीत में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। जैसे कि बारिश की बूंदे, स्कूल और मंदिरों में लगे हुए घंटे, पेड़ पौधों की पत्तों की सड़सड़ाहट आदि, इन आवाजों को हम सुनना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें सुर होते हैं। और शोर शराबा, कोलाहल, चिल्लाना, ट्रैफिक जाम आदि आवाजें हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि उनमें सुर नहीं होते। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि संगीत में केवल मधुर सुरों का ही इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही मधुर आवाजों की कंपन संख्या को एक परफेक्ट रूप देकर हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत तज्ञों ने सुरों का निर्माण किया, जिसे हम सा रे गा मा पा धा नी कहते हैं। और शास्त्रीय भाषा में इन्हें षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद नाम दिए गए हैं। दोस्तों, अब तक आपने संगीत में सात सुरों के बारे में सुना ही होगा, पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में सात नहीं बल्कि कुल 12 सुर होते हैं। और काफी लोगों को ये पता नहीं होता, इसीलिए वो ठीक से संगीत को सीख नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन 12 सुरों के बारे में हम बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सुर के तीन प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत में बताए गए हैं, जो कि शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर होते हैं। जब भी गाते बजाते समय जो भी सुर अपने स्थिर कंपन संख्या पर आंदोलित होता है, यानी कि वाइब्रेशन होता है, उसे हम शुद्ध सुर कहते हैं, जो कि सात सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। और इसी शुद्ध स्वर की संख्या को अगर हम कम कर दे या उसकी आवाज को कम कर दी जाए तो वही सुर कोमल सुर कहलाता है, जो कि चार सुर होते हैं, रे, ग, ध और नी। इन सुरों को लिखते समय इन सुरों के नीचे हल्की सी अंडरलाइन लिख देते हैं, ताकि उन सुरों की पहचान हो सके। और उसी तरह से शुद्ध स्वर की तीव्रता बढ़ाती जाए या उसकी आवाज या कंपन संख्या को बढ़ा दी जाए तो वही सुर तीव्र सुर बन जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है। शुद्ध स्वर से वही स्वर तीव्र स्वर बन जाता है, जो कि एक ही होता है, जिसे हम तीव्र मध्यम कहते हैं। और इस सुर को लिखते समय इस सुर के ऊपर एक मात्रा निकालते हैं, ताकि उस सुर की पहचान हो सके। दोस्तों, केवल षड्ज और पंचम यानी सा और प, इन दोनों सुरों को छोड़कर सभी स्वरों के दो रूप निर्माण होते हैं, जो कि शुद्ध रूप से कोमल या तीव्र बनते हैं। संगीत में कुल मिलाकर 12 सुर इस तरह से बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन 12 सुरों को हम हारमोनियम पर भी सीख लेते हैं। Thank you.
तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के 12 सुर, इनका रियाज करते रहिए, अपनी संगीत साधना को बढ़ाते रहिए और संगीत के आनंद में झूमते रहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए म्यूजिकल कंटेंट के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और देखते रहिए नितिन वाले म्यूजिक गुरु। तब तक के लिए धन्यवाद।